इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि इसके भाई लिए ये मैं रास्ते मतलब में आ रहे थे तो 1-2 बजे इन्होंने मतलब नहीं, थोड़ा ऐसे सोया। हमें मतलब सबक मिला कि नहीं, मतलब हाँ सबक मिला हमें। तो आप यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर आए बस थंबनेल लेने, मतलब भाई को छोड़ने के लिए कितने सारे लोग आए हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा एक संडीला में काम है, क्योंकि गाइज टेक्निकल सूर्या से मिलने, एक भाई दिल्ली से हमारे मतलब हमारे घर आ रहे हैं मिलने टेक्निकल सूर्या से, तो उन्हीं को मैं पिक करने के लिए जा रहा हूँ संडीला। उन्होंने कॉल किया था कि मैं संडीला आ गया हूँ और यहाँ से मेरे को ले जाओ, तो मैं वही अपनी गाड़ी लेकर के अभी जा रहा हूँ संडीला, और संडीला से उनको लेकर के आता हूँ। और देखते भाई कौन भाई है, और भाई बहुत दूर से मिलने आए, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली से मिलने आए, लगभग 400 या 500 किलोमीटर यहाँ से है हमारे यहाँ से दिल्ली। आपको भी मिलाता हूँ कि कौन भाई है और हम भी मिलते हैं। तो फटाफट से चलते हैं संडीला, और भाई अभी देर भी हो चुका है क्योंकि भाई भाई ने कॉल कर दिया कि संडीला आ चुका हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने मिल लिया, जो भाई आ रहे थे मैंने आपको बताया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों की गाइस, और प्लस एक चीज ये है मतलब इतना दूरी से आए, इतना रिस्पेक्ट किए, सब कुछ किए, एक बार आप जरूर मिले हमारे भाई से, बहुत अच्छा लगा मिलके। जैसा कि देख सकते हैं भाई का चैनल की गाड़ी पे है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के। तो आप सब ये सब बातों से आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से घर जाकर भी मिलाते हैं आपसे, क्या अपनी हिस्ट्री बताऊं, भाई को तो बता दिया मेरे आईफोन और बैग सब कुछ लेके चले गए हैं। थोड़ा मतलब ये हो गया कि जब ये रात को ट्रेन से आ रहे थे और इनके पास एक बैग था और इनका आईफोन था, तो साला मतलब पदल लेके चले गए, बस मुझे छोड़े हैं, बस इनको छोड़ा और इतना सारा सामान छोड़ा ही बताए। अब दिल्ली का आप नाम सुनोगे तो भाई साहब जेब कतरों से सावधान हो जाना, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप तो जानते हो, बाकी जो नहीं करते हैं उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि नहीं, जेब कतरों से सावधान होना, क्योंकि मैंने सफर काटी भाई, मेरी बैग भी ले गए, आईफोन भी ले गए, ये जो थे इसको मैं गले में लगा के सो गया था, गाना बज रहा था इसमें, बाकी एक मेरी मोबाइल जेब में थी ये बच गई, पता नहीं ये कैसे निकाल लिया, कब क्या किया, मुझे तो कुछ पता नहीं भाई, चालू का ऐसा ही हाल है। भाई आज रिटर्न टिकट है मेरे पास, भाई के पास दो मोबाइल थे, एक आईफोन था और एक एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड छोड़ गया और आईफोन और बैग वगैरह सारा कुछ ले गया, तो भाई ये बहुत ही बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल चलते हैं घर और सूर्या से इनको मिलाते हैं, वो बेसिकली सूर्या से ही मिलने के लिए आए हैं। बिग फैन हूं भाई, सूर्या भाई का बिग फैन हूं मैं। तो चलो घर चलते हैं और आपको मिलाते हैं। चला आया इतना दूर तक, और भाई बहुत दूर से आए, दिल्ली से आए, लगभग हमारे 400 से 500 किलोमीटर है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई हमसे मिलने आया, इतना हम कर सके कि कोई हमसे मिलने आया। लेकिन हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद देखो भाई इधर है और ये सूर्य मिल गया, और इधर चाय नाश्ता सारा कुछ हो चुका है, रेडी है, अपने घर में आ गया हूं, रियल वाले घर में। अच्छा लग रहा है, सूर्य भाई को देख लिया, तसल्ली सी लग रही है। फाइनली गाइस अभी भाई आ चुके हैं हमारे स्टूडियो, और इनसे पूछते हैं कि मेरा स्टूडियो कैसा लगा। तो भाई मेरा स्टूडियो आपको कैसा लगा? कोई जवाब नहीं है, सस्ते मतलब कम पैसों में अच्छा स्टूडियो, प्लस एक चीज है और ज्यादा मोटिवेशन मिल गया दुकान देख के यार भाई, मतलब भाई का बिजनेस भी चलता है, लाख रुपए का बिजनेस बगल में भी है, प्लस भाई का स्टूडियो है, मतलब स्टूडियो एक नंबर है, तगड़ा स्टूडियो है। मैंने फुल इसका मतलब फुल डिटेल अपने वीडियो में दिया है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, और मतलब अच्छे से दिया है। प्लस एक चीज है, मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि नहीं बहुत अच्छा लगा, भाई भी बहुत अच्छे है, इनके भाई ये भी अच्छे है, मतलब पूरा मतलब फैमिली अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब एक भी मतलब होता है 100 में से 120% देता हूँ भाई, सब सही है, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा बस। तो भाई मतलब दिल्ली से मिलने हमारे लिए आए, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई को अपना भाई लोगों से लोग सिटी में रहते हैं, तो ये लोग अगर ये लोग भाई मेरे पास रहेगा ना, तो फाइनली मैं आग ही मचा दूंगा, तो क्योंकि अपने कोई सपोर्टर नहीं मिलता है इतना अच्छा। चलो मैं इनको थोड़ा अपना गांव भी दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग सिटी में रहते हैं, तो गांव का थोड़ा फील, जब आए गांव मेरे तो इन्होंने कहा गांव से बिलोंग करता हूं, मगर धान बहुत दिन देखे हो गया, धान देखना है मुझे आज अच्छे से। चलो मैं आज इनको धान दिखाऊंगा, आपको भी पता चलेगा। तो भाई को अपना गांव दिखाएंगे, और अभी इन लोगों ने अपना इंटरव्यू वगैरह शूट किया, जो भी शूट करना था शूट किया, मतलब बहुत मजा आया भाई से, हर एक चीज प्राइस वगैरह बताया, सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताया। तो चलो इनके चैनल को भी जाकर अभी एक वीडियो और शूट करना है, मैं इसमें भैया का इंटरव्यू लूंगा कि कितना कमाते कितना नहीं कमाते हैं। फाइनली तो मैं 1 रुपए भी नहीं कमाता हूँ, मतलब अलग जॉब करके कमाता हूँ, सॉरी जो भाई हमारे कमाते, देखो महीने के 28,000 कमा रही है, देखो कम से कम 8 लाख का ये होगा। रास्ते में भाई इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि भाई ये रास्ते में आ रहे थे तो 1-2 बजे इन्होंने मतलब थोड़ा सोया। हमें मतलब सबक मिला कि नहीं, मतलब सबक मिला हमें। तो अगर आप लोग ट्रेन से अगर लॉन्ग सफर करते हो, तो आप लोग कभी भी जर्नल में तो भाई बिल्कुल सोना ही नहीं है, तो इस यही कुछ सीन हुआ। जब ये सो रहे तो इनके पास एक आईफोन था और एक एंड्रॉइड था, तो भाई आईफोन गायब और इनका बैग भी गायब, सोच सकते हो, सिर्फ एक एंड्रॉइड फोन बचा आया, जूता पहन के आया था खाली हाथ,
अब क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था, मगर आया खाली हाथ ही आया एंड्रॉइड। खैर चलो, कोई एक एंड्रॉइड फोन ही रहेगा तो मेरे से कॉन्टेक्ट कोई नहीं, हमारी ऑडियंस सपोर्ट करेगी तो हम सब। लेकिन ये तो बताए, आईफोन चोरी वाले को तो पकड़ा जाएगा भाई, तुम पकड़ रहे हो। अगर तुम बी वीडियो देख रहे हो तो तुम पकड़े जाओगे पक्का। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फोड़ दोगे तभी बचोगे, नहीं तो बचने वाले नहीं हो, क्योंकि उसका कुछ हो ही नहीं। आईफोन की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है तो आईफोन चोरी वाले को तो पकड़ा जाएगा भाई। बाकी अब ले चलते हैं इनको खेतों में, खेत में दिखाते हैं भाई। मुझे धान देखने का बहुत अच्छा है, दिल से इच्छा धान देखने का। बहुत दिन हो गया धान देखे, नहर देखे, हर एक चीज देखे यार, चिड़िया देखे, कौवा देखे, बहुत दिन हो गया। चिड़िया मेरे यहाँ रहती है, यहाँ पे रहती है, रहती है यहाँ। अभी इस टाइम नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे चिड़िया रहती है। चलो चिड़िया देख लेंगे, अभी बाहर हम चलेंगे। बजता भी है क्या साउंड? हाँ बहुत अच्छा बजता है। बजाते क्यों नहीं उसको, बजा के सुना यार। ये लोग तुम बताए नहीं पहले साउंड वाला, निकल। चलो मैं इनको साउंड बजा के दिखाता हूँ। भाई बोल रहे हैं साउंड बजता है नहीं बजता, हम लोगों ने बहुत ही मस्ती किया। जब छोटा मोटा पार्टी करना होता है ना, तो ये हम लोग यहीं पे करते हैं आराम से बैठ के। फाइनली गाइज, हम लोगों ने थोड़ा देर गांव में बैठे और घर में बैठे स्टूडियो में भाई को मैंने सारा कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया। और फाइनली अब हम थोड़ा भाई को थोड़ा अपने यहाँ घुमा रहे हैं, और अभी शाम भी हो चुकी और अभी के बज रहे हैं 3। तो भाई को थोड़ा बहुत अपने एरिया का घुमाते हैं। भाई लोग देखो, अपना 3 लोग उसमें हैं, सूर्य है, आशीष और वो भाई कार्तिक। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं भाई, ये गुन्नी भाई को टहलाते हैं इधर। ये भाई ये देखो, ये ब्लॉगिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फुल मस्ती करने। तो यहाँ पर हम हैं और ये सारे लोग। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा थंबनेल लेने के लिए जो भाई सूर्य ने वीडियो बनाया था, उसके लिए थंबनेल वगैरह लेना है। यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर आए बस थंबनेल लेने, तो समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट भाई का थंबनेल है। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट थंबनेल होता है। के बाद हम लोग कहीं और जाने वाले हैं, लखनऊ घूमने जाने वाले हैं। यहाँ पर भाई देखो, एक से एक पोज बता रहे हैं फोटो लेने के लिए सूर्य के लिए। स्टेप 1, स्टेप चश्मे मेरे पास नहीं है, गूगल से नहीं है। स्टेप 2 एंड बाइक में मैंने 2-3 ऑलरेडी खींच रखे हैं, तो मतलब बहुत सारा मैं फोटोग्राफर हूँ भाई। चलो भाई, भाई ने बहुत सारा मतलब इससे पहले जब इनका चैनल ये था, इससे पहले ये फोटोग्राफी करते थे, इनके अकाउंट पर जाकर इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर देख सकते हो। हाँ, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर के देख सकते हो। भाई ने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज ली है। बिहाइंड द सीन दिखा दो, मैं आज फोटोग्राफी कर भी रहा हूँ। हाँ देखो, आपको लगेगा कि वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन बट ये फोटो शूट होगा। ऐसे भाई कौन करता है ऐसे वीडियो शूट, फोटो शूट। What started as a phase has become a growing trend. I guess what I can fall is my self-delusion. चलो गाइस यहाँ से चलते हैं एंड देखते हैं भाई, फुल एंजॉय करते हैं एंड भाई को कुछ खिलाते हैं अपने यहाँ का। Cut me a piece, just a piece of that pie. Don't matter what, I am missing the high. Melting me down with that kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile. Guys, हम लोग पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर देखते भाई, भाई को कुछ खिलाते पिलाते हैं यहाँ से। यहाँ पर फोन में ऐसा देख रहा हूँ कि पहली बार सैमसंग में, मतलब नॉर्मली सैमसंग मोबाइल में लीड का जैक नहीं, यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ सी टाइप सी वाला है बस, और कोई भी नहीं है। ना है तो इधर है ना ही इधर है, सिर्फ चार्जिंग वाला सिस्टम है। ऐसा लगा यहाँ का बिरयानी हमारे इधर बहुत बहुत अच्छा है। चलो यहाँ पर ये देखो, ये इधर और ये टेक्निकल सूर्य, उधर सचिन, हम लोगों का आ चुका है सब। मस्त फिनिश करते हैं जल्दी से भाई। यही बोल सकता हूँ कि अगर यूपी में सीमा हैदर के बाद कोई मशहूर है तो बिरयानी है वो, इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता मैं। चलो ठीक है। अभी गाइस भाई का सब लोग खाना पीना हो चुका है, बट अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक मंदिर पास में, तो भाई को वो थोड़ा घुमा देता हूँ, क्योंकि अभी रात को इनका ट्रेन है 9 बजे का, तो हम लोगों को टाइम पास करना है। खाना पीना सब कुछ हो गया, हम चलते हैं आगे, अगला सेटअप देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं। यहाँ तो बहुत ज्यादा ही मजा है, मस्ती है, फुल एंजॉय लिए है। रात को 9 बजे का ट्रेन है भाई का, तो भाई दिल्ली जाएंगे फिर, पूरा दिन हमारे इधर रुके लगभग 12-13 घंटे, बहुत ही मजा आया भाई के साथ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं और देखो भाई को दिखा रहे अपने इधर का मंदिर वगैरह, और इसमें पानी थोड़ा भी गंदा भरा हुआ है। फाइनली
चलिए गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर और अभी हो चुकी है शाम, देख सकते हो। और मैंने लाइट वाइट जला दिया है, तो अभी भाई का हो रहा है टाइम यहाँ से जाने का भाई। और भाई इतनी देर हम लोग रहे तो भाई को बहुत ही अच्छा लगा। शाम हो गई है, शाम हो गई, प्लस एक चीज हमारी ट्रेन भी है, शाम की ट्रेन है, तो मतलब जाना ही तो पड़ेगा गाइस, क्योंकि पूरे दिन आज रहे हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा ही प्यार सपोर्ट मिला। पता नहीं लगा कि 12 घंटे कम निकल गया, पता ही नहीं चला एकदम, जैसे 12 घंटे होता है, बट मेरे लिए तो लग रहा है ऐसे जैसे 2-3 सेकंड ऐसे निकाले उस प्रकार से, बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम में भी। इस देखो जाने के लिए मतलब भाई को छोड़ने के लिए कितने सारे लोग आए हैं। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे संडीला, लाइट कट चुकी थी, बगल लाइट आ गई है। और यहाँ हम लोग जब आए थे तो यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा था, एकदम अंधेरा अंधेरा था, तो भाई ने कहा कि ऐसे रहता है, तो अभी लाइट फाइनली आ चुकी है। और हम भाई के मोबाइल में बैटरी नहीं थी तो अपना चार्जर घर से लाए थे, और यहाँ पर फाइनली लाइट आ चुकी, अब थोड़ा चार चांद लग गए स्टेशन के, अभी लाइट नहीं आ रही थी, एकदम अंधेरा अंधेरा हो रहा था। गाइज अभी मतलब हम लोग यहाँ से वेट कर रहे हैं, लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, टाइम ही निकल चुका है कि ट्रेन इतने बजे आनी थी, उसका टाइम तो निकल चुका है, बट अभी हम लोगों को लेट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। भाई की ट्रेन बस 20 मिनट बाद आने वाली है, नहीं है कि 20 मिनट बाद आएगी या 25 मिनट बाद आएगी, कुछ भी भाई कुछ यार। क्योंकि आने वाली थी 9:12 पे, ठीक है, अभी 10 बजने वाला है, तो भाई इसीलिए कंफर्म ना बोल सकते हैं ट्रेन को। तो जब ट्रेन आएगी तो भाई बैठ लेंगे, बट यहाँ से कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई, चलते हैं, एकदम निकलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कब मिलेंगे पता नहीं, फिर देखते हैं, जल्दी आएंगे। चलिए गाइस हम लोग निकलते हैं, भाई को निकलने देते हैं यहाँ से। चलो ये रखी मेरी बाइक, तो अभी इस पे बैठते हैं, निकलते हैं घर, भाई को मैंने छोड़ दिया है, वो चले जाएंगे अपने दिल्ली, और हम भी यहाँ से निकलते हैं। गाइस भाई अभी जा रहे हैं और हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, और अब इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। और गाइस आज के इस ब्लॉग में मैंने बहुत सारा मस्ती किया, भाई इतनी दूर से मिलने आए हमसे, तो बहुत ही अच्छा लगा कोई हमसे मिलने आया। आई होप आपसे भी पसंद आएगा, पसंद है लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।